तो घर बैठे आनंद उठाएं जेके एक्सप्रेस के माध्यम से। ये लाइव यूजल आप जनरल जोरावर स्पोर्ट्स स्टेडियम से देख रहे हैं। यहाँ पर डीपल सीजन 3 की शुरुआत कल से हुई है और आज दूसरा दिन। काफी अच्छी गेंद निखिल द्वारा उठाना चाहते थे आगे आकर, लेकिन काफी चालाकी यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज निखिल। बिल्कुल यहां पर अपील की गई और एम्पायर द्वारा आउट का इशारा दिया गया है। करण भाई नौ ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 38 और दो विकेट के नुकसान पर। अगर सिंगल नहीं हो इधर चले रहा जो पिछली बार था। जेके एक्सप्रेस शाली क्या कर रहा है यार, मैच चल रहा है यार, बिच गया आए हो। जेके एक्सप्रेस ओ उधर ही रहा शानू, उधर ही रहा थोड़ा सा अगर आपको बता दें, थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है जिसमें कमेंट्री थोड़ी सी गलत बता रहे हैं। अगर आपको बता दें, नौ ओवर की समाप्ति, बैट्समैन मी भी सुनाई सकते
Oh, yeah.
पंकज अबू कंटिन्यू यार। अरे पंकू सकून बस बस आ इधर चला।
आप मुझे जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शरीर तो ना जाए बंद हो जाए चलो चलो हैप्पी जल्दी करो सारे सनाने हैं चलो राइट आर्म ओवर द विकेट वाइट का इशारा इसके साथ में बन बाउंस एम्पायर द्वारा दिया गया थोड़ा साइड रे हां चलो हैप्पी
मुनिया मुनिया दे रजू दोनों ऊपर हो अंदर अंदर मुनिये ऊपर ही मुनिये हाँ ऊपर रजू इधर होना यार जल्दी चल यार बाउंस शैल ही पीछे सामना करेंगे
चलो 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 जल्दी यार मेरी गल सुनो मैच खत्म होने असर नहीं होना चाहिए पानी पिलाना भी आपू बाहर ली रियासी ईगल वर्सेस बाबा इलेवंस के बीच में रोमांचक मैच होता हुआ अब देखना यह होगा कि आखिर कौन इस मैच में जीत हासिल प्राप्त करता है। दोनों टीमें एक सामान्य हैं और काफी अच्छा मुकाबला आप देखने को मिल रहा है। चौदह ओवर की समाप्ति स्कोर पहुंचा 58। एक रन प्राप्त किया अपनी टीम के लिए बाबा इलेवंस के अनूप बल्लेबाज द्वारा। अच्छी गेंद लेफ्ट हैंड में
जैसे ही ओवर की समाप्ति होगी आपको स्कोर भी बताए जाएंगे, लेकिन आपको बता दें ये 15वां ओवर की शुरुआत जो है हुई है, जिसमें दो गेंदें अभी तक लक्ष्य का सामना करेंगे अनूप बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद निखिल द्वारा। जानते हैं अपनी टीम को किस प्रकार से जीत हासिल करवानी है, उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी निखिल द्वारा करवाई जा रही है। अब तक बड़ा कोई बल्लेबाज द्वारा नहीं दिखाया गया कोई अपना, अभी तक बड़ी बाउंड्री यहां पर कोई भी देखने को नहीं मिली। अब देखना ये होगा क्या बिल्कुल बिम्पल जो है हमारे बिल्कुल इस पर काफी संजोग दे रहे हैं और काफी इंटरेस्ट रखते हैं। पंद्रह ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा 71 दो विकेट के नुकसान पर 52। अगर आप फिर से बता दें 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 71 दो विकेट के नुकसान पर 52। डीपीएल सीजन 3 की ये शुरुआत जो है आप फिर से बता दें कि कल हुई थी। कतर बोलिया दे है। हाँ। सुनो ना 15-71। घर बैठे आनंद उठाए इस मैच का, 16वां ओवर लेकर आए हैं। हैप्पी सुने वो सारे कट्ठे नहीं करे, तू चला जी चलाना ठीक है अपने। सोलहवें ओवर की पहली गेंद जिसमें एक रन आसानी से अपनी टीम के लिए बनाते हुए अनूप द्वारा। अनूप साइड से
काफ़ी रोमांचक मैच होगा जिस प्रकार से इस वक्त मैच की पोजीशन है। बिल्कुल यहां पर रन आउट होने के चांसेस पूरे थे, लेकिन डायरेक्ट लगता तो बिल्कुल अनूप के बल्ले से 4 रन। एम्पायर द्वारा किया गया इशारा 4 रन। अगर आप इस प्रकार से गेंदबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे तो उसका भुगतान इस प्रकार से होगा। तो यही है कि आप अपनी गेंदबाज में काफ़ी सुधार लाएं जिस प्रकार से अभी तक था। बिल्कुल ये 16वें ओवर जो है यहाँ पर चलता हुआ। तू उछा करो काफी रोमांचक मैच यहां पर बना हुआ है। अब तो खुद भी तो इधर आ गया है। ये होना है ना, दो दो लाया स्कोरिंग करने ठाई 24 बार ठाई। तो 24 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता है यहाँ जीत हासिल करने के लिए। सुने सारे खिलाड़ी आए थे राजमोनी के अब मुकाबला काफ़ी रोमांचक होता है जैसे ही नज़दीक ये मैच पहुंच रहा है अपने लक्ष्य पर। 24 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता बाबा इलेवन को ये मैच जीतने के लिए। कल जो कि इन्होंने अपना एक हाई स्कोरिंग मैच जीता था, लेकिन आज जो है लो स्कोरिंग टोटल का पीछा करते हुए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है। 24 गेंदों में 28 रनों की अभी भी आवश्यकता। अभिषेक करेंगे सामना रजत फोटन की जानिब से। बेहतरीन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। अब वो कट करना चाहते थे उसे, लेकिन कोई भी संपर्क बल्ले के साथ नहीं हुआ। इसी के साथ पहली गेंद डॉट हो गई। अभी 23 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए बाबा इलेवन को।
रियासी ईगल्स और बाबा इलेवन में ये मैच चलता हुआ दोपहर 2 बजे मैच शुरू हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए रियासी ईगल्स ने 106 रनों का स्कोर खड़ा किया, लेकिन काफ़ी टफ फाइट देती हुई अभी तक रियासी ईगल्स। रक्षात्मक रूप से खेला उसे स्वीपर कवर की तरफ, शिवम है फील्डर पॉइंट से जाकर फील्ड किया, सिर्फ एक ही रन मिलेगा 22 गेंदों में। 27 अभी भी मैच खुला हुआ दोनों तरफ। पंकू को पीछे भेज दे, पंकू को। यहां से कोई भी टीम मैच जीत सकती है। डीपीएल का यही मजा है, डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का, कि कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा मैच कौन सी टीम जीतेगी। बड़े कम ऐसे मैचेस हुए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन्स में जो वन साइडेड हुए हों, लेकिन ये आज डीपीएल अपना चरम पर टिकता हुआ 106 रन किए थे। शुरू में लग रहा था कि बाबा इलेवन वन साइडेड मैच जीतेगी, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया रियासी ईगल्स ने। तो अभी भी 27 रनों की आवश्यकता 23 गेंदों में बाबा इलेवन सलाल को। अभिषेक नॉन स्ट्राइकर एंड पे अनूप करेंगे सामना। रनअप में थोड़ी खराबी, 2 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, तीसरी गेंद लेकर रजत फोर्टेन की जानिब से सामना करेंगे अनूप। एक बार फिर से तैयार और दाएं हाथ के बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाजी की थी कल के मैच में, इन्होंने 5 विकेट्स लिए थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे। अभी भी एक एंड संभाल के बल्लेबाजी करते हुए बोल्ड कर दिया है रजत ने, बेहतरीन गेंद। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया अनूप ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ और बेल्स को चूमती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन विकेट के रूप में मिला है रजत को। काफी अच्छी गेंदबाजी की है अनूप, जाते हुए पवेलियन एक शोर संभाला था लेकिन रजत ने चलता किया। अभी 21 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, योजना बनाती हुई रियासी ईगल्स के किस तरीके से वापसी की जाए यहां से, और निश्चित तौर पर पकड़ मजबूत होती हुई। अभिषेक काफ़ी चिंतित नज़र आते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पे, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी करने का कम मौका मिल रहा है, ज़्यादातर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रह रहे हैं। लेकिन काफ़ी डीप अभी बल्लेबाजी बाबा इलेवन की, विशाल लाल आए हैं बल्लेबाज, पोलाड के नाम से जाने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं ये। लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हैं इनके बल्ले से। बबरू काफ़ी खुश, सलामी बल्लेबाज। तीन गेंदें हुई हैं, 21 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, बैकफुट पे जाती हुई बाबा इलेवन की टीम। बेहतरीन टीम है ये, बेहतरीन बल्लेबाजों से गेंदबाजों से भरपूर यह टीम। सलाल के रहने वाले हैं इसके ओनर चुकेश जी, सौरभ बाबा जी, जिनको बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और उनके ही नाम पे ये बाबा इलेवन सलाल की टीम अपनी शुरुआत इस टूर्नामेंट की बेहतरीन ढंग से की थी कल। लेकिन आज ये दूसरे मैच में, अभी तक तो मैच में बने हुए हैं, क्योंकि 21 गेंदों में 27 चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से ये दिन ढला है, आज एक लो स्कोरिंग मैच भी एक टफ कंपटीशन में देखा जा रहा है। एक और डॉट गेम, 20 गेंदों में 27 रन, 4 गेंदों में रजत ने दिया है केवल 1 रन और 1 विकेट हासिल की है अनूप की, जो कि एक एंड संभाले हुए थे। एक क्या मुझे लगता है अबू और अनूप ने, दोनों ने अपने अपने एंड संभाल के रखे थे। विशाल लाला, इतना आसान है नहीं इस विकेट पे स्कोर करना, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे पहले आंखें जमाना जरूरी। करण है कीपर, विकेट कीपर, काफ़ी बेहतरीन विकेट कीपिंग की है आज इन्होंने। 5वीं गेंद रजत फोर्टन की जानिब से, इसे भी उठाने का प्रयास किया, अंदरूनी किनारा लेके गेंद रनआउट करने का प्रयास किया, लेकिन 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे लाला को। 26 रनों की आवश्यकता, अभी भी 19 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं अभी तक, 5 गेंदों में रजत ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। अमूमन ऐसी ही गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में, अंत के ओवरों में आके इस तरीके से 2 रन देना निश्चित ही काबिले तारीफ, और अपनी टीम को वो जीत की तरफ ले जाते हुए। बॉल्ड को
अपने स्पेल की ये अंतिम गेंद लेकर रजत चाहेंगे कि अंत भला करें अपने स्पेल का। डॉट गेंद या विकेट डॉट चाहते होंगे गेंद, लेकिन देखना होगा अभिषेक की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। अभी तक 2 रन आए हैं केवल इस ओवर से, 19 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता अभी भी मैच जीतने के लिए बाबा इलेवन को। पॉइंट पे खड़े हैं शिवम, बेहतरीन कप्तानी करते हुए निश्चित ही 106 रन का डिफेंड करना मुश्किल था, लेकिन हटके मारने का प्रयास किया लेकिन हल्के हाथों से खेलना पड़ा। 1 रन चुरा लिया है अपनी टीम के लिए और इसी के साथ रजत के इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर से आए कुल 3 रन और 18 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता अभी भी बाबा इलेवन को यह मैच जीतने के लिए। बैटरी गई, ये बैटरी गई थी, खारा वाला नहीं है। सुने जल्दी जल्दी डेड होई जाना था, बंद होने लगे। रजत बॉल बॉल जल्दी यार, अंधेरा हो गया रजत। अठारह गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता अभी भी। हैप्पी काफी रोमांचक मैच ये बनता हुआ, घर बैठे आनंद उठाएं इस DPL सीजन 3 का। आगे खेलना चाहते थे लेकिन 1 रन अपनी टीम के साथ जोड़ते हुए। हैप्पी थे बॉलर और 2 गेंदों में 2 रन दिए हैं अभी तक, 23 रनों की आवश्यकता अभी भी मैच जीतने को। आओ कवर की तरफ खेला है अबू ने, कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं और जब तक फील्ड होती गेंद 2 रन ले लिए हैं अबू ने। इसी के साथ इस ओवर में कुल मिला के 4 रन आए हैं अभी तक, 3 गेंदें हुई हैं 4 रन आए हैं 15 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता अभी भी मैच जीतने के लिए बाबा इलेवन को। पहली 3 गेंदों में 4 रन आए हैं, हैप्पी फेंसर के नाम के नाम से जाने जाते थे लेकिन अभी से इनको क्रिकेटर के नाम से जाना जाएगा अगर ये अपनी टीम को मैच जिताते हैं तो। बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, अब उन्हें हल्के हाथों से खेला उसे, निखिल है फील्डर, फील्ड करेंगे। 1 और रन जुड़ता हुआ इनके खाते में, 14 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता अभी भी। अपनी 4 गेंदों में 5 रन आए हैं हैप्पी के। विशाल करेंगे सामना 5वीं गेंद का, 2 गेंदें शेष इस ओवर की, 14 गेंदें 20 रन। उठा के खेला है इसे मिड विकेट की तरफ, पंकज है फील्डर, देखना होगा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां पे, देखना होगा कि वो रन आउट होने का प्रयास, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा लाला को। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग पंकज की, अगर हल्की सी मिस फील्ड होती तो 4 या 2 रन बिल्कुल हो सकते थे। 13 गेंदें 19 रन अभी भी चाहिए बाबा इलेवन को मैच जीतने के लिए।
अभिषेक अगर अंत तक रहते हैं तो उनको चाहिए कि अपनी टीम को वो मैच जिता दें। काफ़ी देर से खेल रहे हैं वो, निश्चित ही एक बाउंड्री की दरकार इस समय अभिषेक के बल्ले से। अभी तक 6 रन दिए हैं हैप्पी ने, बहुत ही बेहतरीन ओवर, अंतिम गेंद इस ओवर की। फिर से कवर की तरफ खेला है उसे निखिल है फील्डर, बहुत ही बेकार रनिंग, यहाँ पे 2 रन होने चाहिए थे इस ओवर में क्योंकि डीप पे गई थी गेंद बिल्कुल बाउंड्री पे, तो चाहिए था कि एक अच्छी रनिंग का मुजाहरा करते। 12 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। स्टैंडिंग कप्तान बाबा 11 के कुछ उपदेश देने आए थे, सुशील काका के नाम से जाने जाते हैं। हल्की सी बहस चलती हुई इस समय लाला और काका के बीच, लेकिन चाहिए कि शांत स्वभाव में रह के इस मैच को कैसे जीता जाए वो देखना होगा। किस तरीके की बल्लेबाजी यहां से आगे की जाती है, पूरे मैच में क्या हुआ वो मायने नहीं रखता, लेकिन 12 गेंदों में क्या होगा ये मायने रखता है दोनों टीमों के लिए। जिसने अपनी नफ्स को कंट्रोल रखा इस समय वही मैच जीतेगा। टीमें तो दोनों ही खतरनाक हैं, लेकिन जो नफ्स को कंट्रोल रखेगा वही मैच जीतेगा। रवि हैं गेंदबाज, स्ट्राइक गेंदबाज हैं रवि रियासी ईगल्स के। अबू करेंगे सामना फिर से, 12 गेंदों में 18 रन चाहिए, बाउंड्री की दरकार इस समय बाबा 11 को। निश्चित ही उन्हें अगर मैच जीतना है तो बाउंड्रीज तो चाहिए, सिंगल से मैच नहीं जीता जाएगा। कट कर दिया उसे पॉइंट की तरफ, लेकिन यम है फील्डर, सिंगल लेना, बेहतरीन रनिंग का मुजहरा यहाँ पे, हाथ से 2 रन चुरा लिए। ऐसा ही रनिंग की आवश्यकता अभी अभिषेक और लाला को अगर ये मैच जीतना है बाबा 11 को। तो 11 गेंदों में 16 रन, जी हाँ पिंपल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप कमेंट्स में अपने रन और बॉल पेंडिंग जितनी भी हैं वो बता रहे हैं, आपका तह दिल से शुक्रिया। क्योंकि कुछ दर्शक हमारे ऐसे रहते हैं जो सुन नहीं पाते या किसी तरीके से उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंचती कमेंट्री की, तो ये भी चाहिए कि अगर आप कमेंट्स लिखते हैं तो अच्छा है। अगली गेंद फिर से कट करने का प्रयास, लेकिन कोई भी संपर्क गेंद से नहीं हुआ। एक और डॉट गेंद, 10 गेंदों में 16 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए। अभिषेक को चाहिए कि वो या तो अपना बेहतरीन बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के लगाएं या चौके लगाएं या स्ट्राइक रोटेट करके लाला को स्ट्राइक पे लाएं ताकि उनके बल्ले से कुछ गगनचुंबी छक्के या चौके हमें देखने को मिले, जिसके चलते ये मैच वो अपनी झोली में डालें। लेकिन रियासी ईगल्स की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 106 रन भी फिर से खेल लिया उसे कवर की तरफ। निखिल है फील्डर, देखना कि गेंद को रोक पाएंगे कि नहीं, बेहतरीन फील्डिंग निखिल की और 2 ही रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बेहतरीन फील्डिंग निखिल की, निश्चित ही काबिले तारीफ, और केवल 2 रन अभी तक लेने में सफल हुए हैं इस गेंद पर। नौ गेंदें 14 रन, लेकिन काफी देर से कोई बाउंड्री नहीं आई है। नौ गेंदों में 14 रन, हटके खेला है उसे सिंगल के लिए। 8 गेंदों में 13 रन, अगर इस ओवर में एक बाउंड्री आती है तो फिर से मैच बराबर में आ जाएगा, अन्यथा अभी तक जो है वो रियासी ईगल्स फेवरेट मानी जा रही है, क्योंकि 8 गेंदों में 13 रन चाहिए।
आठ गेंदे 13 रन, सामना करेंगे लाला। आपको बता दें, इस मैच में हम प्रयास कर रहे थे कि ये पूरा लाइव दिखाया जाए, लेकिन यहाँ के बता दें कि यहाँ पर यहाँ पर अतिरिक्त स्कोर जुड़ता हुआ, वाइड गेंद, एम्पायर का इशारा। बिल्कुल सही कहें तो इंटरेस्टेड मैच हो चुका है, घर बैठे आप मैच देख रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं, और आपका लगातार यही था कि इस मैच को भी लाइव किया जाए, तो हम वही प्रयास कर रहे हैं। एक और अतिरिक्त स्कोर जुड़ता हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कोर माने जा सकते हैं। लगातार दो वाइड रवि द्वारा, और अभी चाहिए 8 गेंदों में 11 रन। स्ट्राइक बॉलर से ये उम्मीद नहीं कि वो इस तरीके की सिचुएशन में वो वाइड गेंदे दें, उन्हें चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी टीम को जिताएं और जीतने में अपना योगदान दें, ताकि एक ओवर उनका बचा के इसलिए रखा था कि अंत में वो निश्चित ही इस प्रकार की अगर गलतियां करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान पूरी टीम को हो सकता है। एक और वाइट गेंद, एक और वाइट गेंद यहां पर। ये है DPL का रोमान। हमने मात्र शायद 3 ही विकेट्स अभी तक गई हैं। ये बिंपल जी से रिक्वेस्ट है कि वो विकेट्स का भी जानकारी अपने दर्शकों को दें हमारे, ताकि उन्हें पता चल सके कि विकेट्स कितनी अभी तक गई हैं। जिसमें कितना है दम वो ही दिखाएगा, यही तो चाहिए था, लेकिन वहां पर आसानी से यहां पर 2 रन प्राप्त करते हुए। विशाल ने 2 रन के लिए खेला मिड विकेट की तरफ, अभी 7 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। 4 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, वो ही यहां पर देखने को मिला है। और अब चाहिए 6 गेंदों में 4 रन जीतने के लिए बाबा 11 को। बेहतरीन शॉट लाला की। जिस उम्मीद से इनको लाया गया था, उस उम्मीद पर खरे उतरे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम जो है अब जीत की ओर आ रही है? काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखी गई है रियासी ईगल्स द्वारा, और ये पहले देखा गया था कि मैच एक तरफा जरूर बना हुआ था। लेकिन अंत में जो है आकर यहाँ पर काफ़ी अच्छा बल्लेबाजों ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं देखा गया है कि यहाँ पर जो अतिरिक्त स्कोर दिए गए हैं, यानी वाइट स्कोर, कहीं ना कहीं वो गलतियाँ ज़रूर हुई हैं, और अगर ये अंतिम में आकर इस प्रकार से अगर आप गलती करेंगे तो पूरी टीम को भुगतान उसका करना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखें, गुड लेंथ में आप गेंदबाजी कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से अगर आप अतिरिक्त स्कोर देंगे तो काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, तो वो कहना ये टूट जाती हैं।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फिलहाल मैं इतना ही लाइव कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा लाइव जो है हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा जो है फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका है और अपने आप ही कुछ क्षण में जो है ये स्विच ऑफ हो जाएगा। जब तक है तब तक हम दिखाएंगे। अगर फोन उससे पहले तो अगर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम आपको जो है पावर बैंक यहाँ पर नहीं मिल सकता क्योंकि पावर बैंक के लिए कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है। हमारे पास पावर बैंक है लेकिन काफ़ी दूर है हमसे, लगभग 5 किलोमीटर का अंतर होगा। लेकिन हम यही प्रयास करेंगे जब तक ये चल रहा है तब तक चलाएंगे। लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन 4 बार आ चुकी हैं जिसमें फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है, लेकिन हम बेहतरीन उसमें हम आप रिकॉर्ड दिखाएंगे बाद में दूसरे मोबाइल से, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी रोमांचक मैच रहा है और हमारा यही प्रयास रहता है यहाँ पर यूथ इस प्रकार से कार्य करता है या ऐसे कार्य में पार्टिसिपेट करता है तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि उसको दिखाया जाए। तो ऐसा खेलना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आसानी से एक रन चुराया, एक रन अपनी टीम में जोड़ते हुए। अनाउंसमेंट है यहाँ पे, अगर हैप्पी यहाँ से मैच जिताते हैं तो 1 लाख रुपए के हकदार होंगे। ये अनाउंसमेंट है, 5 गेंदों में सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता अभी इस मैच को जीतने के लिए बाबा इलेवन को। ये डॉक्टर सुकेश की तरफ से अनाउंसमेंट है, अगर वो इस मैच को बचाते हैं इस फिलहाल हमारा प्रयास यही है। लेकिन ये अभी देखा जाएगा कि कब तक ये चलेगा। तो यहाँ पर मैच। तो फिलहाल यहाँ पर 4 रन से यहाँ पर मैच जो है जीत हासिल करते हुए बाबा इलेवन के। अभिषेक क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी लंबे समय तक टिके रहे, कहीं ना कहीं उसी का कहीं सहारा रहता है पूरी टीम को, क्या कहना चाहेंगे जीत हासिल करने के बाद? बढ़िया मैच था जी, टफ फाइट भी दूसरी टीम में भी जी जी, हार्ड लक उनके लिए। विशाल क्या कहना चाहेंगे आप, आपके आने के बाद काफ़ी खुशी दिख रही है। तो फिलहाल हमारा फ़ोन स्विच होने से पहले ही यहाँ पर जीत हासिल हो चुकी है और लाला काफ़ी खुश हैं। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।